सिंगर राहुल वैद्य, जिन्होंने बिग बॉस सीजन 14 के घर में अपना जलवा दिखाया था और एक मैसिव फैन फॉलोइंग राहुल वैद्य की बन गई थी। फर्स्ट रनर अप रहे थे राहुल वैद्य, और जब वो बिग बॉस के घर से बाहर निकले थे तो उनके पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई थी। अब आपको बता दें कि राहुल वैद्य, जो कि अब खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में दिखेंगे, स्टंट्स करते हुए दिखाई देंगे। आपको ये भी बता दें कि राहुल वैद्य को लेकर एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है कि राहुल वैद्य, जो कि हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज में से एक हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में, यानी सबसे ज्यादा फीस राहुल वैद्य को मिल रही है पर एपिसोड की। आखिरकार कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं राहुल वैद्य, हम आपको बताते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल कर बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा दूं। तो बात करते हैं राहुल वैद्य की फीस की। आखिरकार राहुल वैद्य कितनी फीस मिल रही है पर एपिसोड की। रिपोर्ट्स की माने तो राहुल वैद्य, जो कि 12 से 15 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं सीजन 11 के लिए, वो भी पर एपिसोड, एक ह्यूज अमाउंट की फीस। रिपोर्ट की माने तो एक बड़ी ह्यूज अमाउंट की फीस मिल रही है राहुल वैद्य को। आपको ये भी बता दें कि राहुल वैद्य, जो कि जिन्हें ऑफर किया गया था नच बलिए और उनकी जो गर्लफ्रेंड है दिशा परमार के साथ, हालांकि राहुल वैद्य बहुत जल्द शादी करने वाले हैं दिशा परमार के साथ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी कोविड इतना ज्यादा फैल चुका है कि अभी ये सही टाइम नहीं है शादी करने के लिए। तो इसके लिए राहुल वैद्य और दिशा परमार को ऑफर हुआ था नच बलिए, लेकिन राहुल वैद्य ने उस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया। लेकिन अब वो खुद आए हैं और खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में अब डेयर डेविल वाले स्टंट्स करते हुए दिखाई देंगे राहुल वैद्य। वेल, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए।